जैन साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश रोडवेज भर्ती के बारे में। जी हाँ, 22 तारीख को इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था और भर्ती भी साथ ही शुरू हो गई थी। इसका वीडियो में ही मैंने ऑलरेडी बनाकर दिया था फर्स्ट फेज का। अब आने वाले किन जिलों में ये भर्ती आगे खुल रही है, ये जानकारी मैं आपको दे दूँ। चूंकि लगातार ये भर्ती जारी है, जिले वाइज सारी भर्तियों के जो है डिटेल निकल रहे हैं, आपको वहां पर फॉर्म भर देना चाहिए, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो अब जिन जिलों में ये भर्तियां निकलने वाली हैं उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आप इन जिलों से संबंधित हैं या आप इन जिलों में भरना चाहते हैं तो आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं, और जिनका निकल गया है आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं जाकर, वहां ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि मुझे सीधी वही बात करनी है जहां पर अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि भर्ती आने वाली है या उसकी डेट भी सारी मेंशन कर दी गई ऑलरेडी। ठीक है, तो चूंकि इसमें है क्या कि सभी जिलों में भर्तियां आई हुई हैं, ऑलमोस्ट हर जिले का क्रम अलग अलग है, डेट वाइज सारी चीजें चल रही हैं। सो उसी के मद्देनजर यहाँ पर अलग अलग चीजों को मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, आइए बिना देरी के जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहां मिलती है आपको जॉब्स रिलेटेड हर वो छोटी बड़ी अपडेट जो आपके लिए होती है जरूरी। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ये जिले इन पोस्ट के बारे में और ये कब डेट है जो है ओपन होने वाली। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर अभी भी आपने फॉर्म नहीं भरा है तो अभी भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो है एक शॉर्ट नोटिस या शॉर्ट डिटेल मैं आपको यहाँ पर दिए देता हूँ सबसे पहले, ताकि आपका फॉर्म अगर आपने अभी तक नहीं देखा हुआ है या जानते नहीं थे तो आज जान लीजिए और इसको शेयर जरूर कर दीजिए उन सभी अपने दोस्तों भाइयों को, ताकि UPSRTC की ये जो भर्ती है ना कंडक्टर, क्योंकि अब जैसा कि आप जानते हैं ना जो ये रोडवेज होती है इसमें ड्राइवर से ज्यादा अहमियत किसकी होती है? कंडक्टर की होती है। क्योंकि अगर ओनर कह सकते हैं उस बस का तो कौन होता है? कंडक्टर होता है, समझ रहे हैं ना? क्योंकि बहुत सारी चीजों में कंडक्टर ही आगे रहता है चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे कि पैसा रखना है ना, जो उसका किराया होता है, रेंट होता है, जो फेयर होता है उसका। दूसरा, अगर पंचर वगैरह हो जाता है तो ड्राइवर बनाता है इसका, क्या नाम है, कंडक्टर कुछ नहीं करता। तो ये बताता है कि कंडक्टर की पोस्ट कितनी अहमियत है, अर्निंग भी अच्छी खासी है उसकी। बाकी मैं दूसरे ढंग की अर्निंग की कतई यहाँ पर बात नहीं करूंगा ना उसका प्रमोशन करूंगा, लेकिन जानते सब है इसमें होता क्या है। ठीक है, सो आप ये समझिए कि इसमें कितने पद हैं, क्या है पूरी डिटेल, और अगर आप अभी भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अभी भी जॉब ओपन है आपके लिए, डेट्स ओपन है। जैसे कुल पदों की संख्या जो है कितनी है, 1649 है। आवेदन करना है जो प्रोसीजर वो ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ऑनलाइन प्रोसीजर चल रहा है। आप फॉर्म भरिए और फॉर्म को आगे प्रोसीड करिए, उस जिले में चला जाएगा, वहां पर आपको फिर जो है बुलाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर बात करें तो फॉर्म आपको ऑनलाइन कहाँ करना है, इधर उधर कहीं भी मत करिएगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है upsrtc.gov.in, यहाँ पर ही जाइएगा, वहीं से भरिएगा। ठीक है, उसके पहले समायोजन कार्यालय पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, वो भी जरूरी है, वो भी मैंने आपको बताया था, दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, अब आ जाइए अप्लाई डेट की अगर हम बात कर लें तो ये अप्लाई कब से शुरू हो चुका था, पिछले मतलब ये जनवरी की लास्ट डेट है, 31 तारीख है जो वीडियो वर्ड बना रहा हूँ, 22 तारीख से फॉर्म ऑलरेडी शुरू हो गया था, उसके पहले मैंने आपको बता दिया था भर्ती आने वाली है। ठीक है, अच्छा होता क्या है कि ना कि जब हम लोग कुछ न्यूज़ के बारे में ब्रेक करते हैं या जॉब के बारे में ब्रेक करते हैं तो उसमें बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं और हम लोगों को उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि वो जॉब्स की जो डिटेल है आने वाली अपकमिंग जॉब्स की हम कहाँ से दे रहे हैं उसको। लेकिन सबको लगता है कि ये फेक है या कम है या ज्यादा है या कहाँ से लीक, क्या है इसका ऑथेंटिकेशन क्या है। देखिए होता क्या है, जो नोटिफिकेशन निकलता है वही होता है ऑफिशियल, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी चीजें अनऑफिशियली जान बहुत सारे लोग और हम जैसे लोग जो है जान जाते हैं कि कैसे कहाँ से कितनी आने वाली है। हाँ, 2-4, 10-20 पोस्ट ऊपर नीचे होती है, लेकिन ये मान के चलिए इतनी खबर पक्की होती है कि ये जॉब जरूर आने वाली है। कब आ रही है, आगे पीछे की डेट बताई जाती है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी अफवाहों के चक्कर में मत रहा करिए, चैनल को जिम्मेदारी से देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बस लग जाइए उस जगह पर जहां पर आपको कुछ चीजें बताई जा रही है। ठीक है, कुछ चीजें अनऑफिशियली भी ऑफिशियली हो जाती है। देखिए अप्लाई डेट क्या है, 22 तारीख से शीट थी, आज 31 तारीख हो गई है। और एज की अगर हम बात कर लें तो एज यहाँ पर मिनिमम रखी गई है 18 से 21,
और मैक्सिमम रखी गई है 40 से 45, और ये डिपेंड करती है आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज। ये क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग हो सकता है क्राइटेरिया। ठीक है, अब आज ये बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो एज पर गवर्नमेंट रूल, आपको एज पर क्या उसने छूट देनी है गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट जानती है। इसलिए फॉर्म आप जब भरेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा देखने को कि क्या मिल रहा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो 12th पास यहाँ पर मांगा गया आपसे, अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो। ठीक है, सैलरी की बात करें तो 10,000 से लेकर 20,000 तक का यहाँ पर आपका सैलरी है। शुरुआत में जो है ट्रेनिंग पीरियड में रहता है और बाकी सी चीजें जो हैं उसकी वजह से ऐसा है, वरना सैलरी यहाँ बहुत अच्छी। एक्चुअली सैलरी की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत सारी चीजें आप कहनी नहीं पड़ती, आप समझिए उस बात को। ठीक है, ट्रिपल सी की यहाँ पर मैंडेटरी किया गया है, अगर आपके पास ट्रिपल सी नहीं होगा तो आगे आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा। जो मकसद था इस वीडियो का बनाने का वो ये है कि किन जिलों में यहाँ पर भर्ती जो है ओपन हो चुकी है और आने वाली डेट में दिखेंगे। जो अभी डेट चल रही है वो ऑलरेडी भर्तियां चल रही हैं, आपको वहां पर कर देना चाहिए, भर देना चाहिए। ठीक है, और आने वाले दिनों में कौन सी भर्ती आने वाली, सॉरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये भर्ती ओपन हो रही है वो जरा समझ लीजिए। अगर बात करें 6 तारीख की, 6 फरवरी, ठीक है, 6 फरवरी को भर्ती ओपन हो रही है बलिया डिस्ट्रिक्ट में, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और मऊ डिस्ट्रिक्ट में, 3 डिस्ट्रिक्ट में 6 तारीख को ये फॉर्म ओपन, मतलब ये ओपन हो जाएगी, जिलेवार जो विंडो है ना वो ओपन हो जाएगी आपकी। और इन जिलों में 198 टोटल पोस्ट हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए या जनरल के लिए कितनी पोस्ट है यहाँ पर। अयोध्या में ये भर्ती ओपन हो रही है, डिस्ट्रिक्ट ये विंडो ओपन हो रही है 13 तारीख को। ठीक है, 13 तारीख को ये विंडो ओपन हो जाएगी, जहां पर 100 आपको पोस्ट देखने को मिलने वाली है। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पर 15 तारीख को, 15 तारीख को ओपन हो रही है विंडो बस्ती की, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर। टोटल पोस्ट की संख्या कितनी है, 405। तो ये 3 डेट हैं, 6 तारीख, 13 तारीख और 15 तारीख। इन तारीखों में क्या होने वाला है कि इन तारीखों में विंडो ओपन हो रही है इन इन जिलों की। अगर आप इस जिले में फॉर्म भरना चाहते हैं या यहाँ से संबंधित हैं तो आप अपनी तैयारी कर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट जो बताए गए हैं उसको तैयार कर लीजिए, उसको अप्लाई करने की पूरी तैयारी करके फॉर्म भर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं लोकल में ही रहना और दूसरे स्टेट में ना जाना तो एक बेहतरीन मौका है आपके लिए, सैलरी भी अच्छी है और अंदर जब पहुंचेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और जानकारी को मिलेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें अनऑफिशियली समझने की कोशिश करिए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मोटिवेट करता है आपको अपडेट देते रहने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो की अपडेट में, जहां आपको मिलने वाली है किसी न किसी अच्छी जॉब की जानकारी।